जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको बताने वाले हैं इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न को आप मात्र एक सेकंड में बना सकते हैं, एक सेकंड में। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बस एक सेकेंड में इस तरीके के प्रश्न को बना सकते हैं। अब प्रश्न पूछता कैसे है आइए समझते हैं। कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा, चाहे वो मैट्रिक्स 2×2 कोटि का हो या 3×3 कोटि का हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम दोनों पर बारी बारी से बात करेंगे। आज पहले 2×2 कोटि वाला पर बात करते हैं, फिर आपको 3×3 कोटि वाला पर भी बात करेंगे। तो आपको ये मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि a²-5a ka-7i=0। तो k का मान क्या होगा, ये k का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि जो k यहां पर कॉन्स्टेंट दिख रहा है इसका मान क्या होगा। अब देख लीजिए, फिर यहां पर यही मैट्रिक्स दिया गया है और पूछता है कि a²-a+k=0। तो k का मान क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स के बाद यहां पर लिखा हुआ a²+ka-26i=0। तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। देखिए अब यह k का मान आप मात्र एक सेकंड में निकाल सकते हैं। यदि आप इसको प्रोसेस से निकालते हैं तो आपको लगभग 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आपको हम एक सेकंड में निकालना बताएंगे अभी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोनों तरीके का बताएंगे, 2×2 कोटि का भी और 3×3 कोटि का भी, ठीक है साथियों। देखिए जो इसका मान होगा वो कितना के बराबर होगा, तो k का मान होगा 5 के बराबर। सीधा सीधा कहिएगा कि याद कह ले है ना, याद नहीं किए हुए हैं, आप भी बता सकते हैं। चलिए k का मान 5 के बराबर होगा। यदि इसमें देखा जाए तो यहां k का मान कितना के बराबर होगा, तो ये जो आपका k का मान है, ये k का मान आपका होगा -2 के बराबर, ठीक है। k का मान कितना के बराबर होगा, -2 के बराबर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, यहां पर k का मान आपसे पूछ रहा है यहां पर, तो फिर यहां पर जो आपका k का मान होगा वह होगा -5 के बराबर। k का मान कितना के बराबर होगा, -5 के बराबर, ठीक है। देखिए आप बस क्वेश्चन देखिए, आंसर लिख सकते हैं। देखिए आपको बनाना कैसे, समझिएगा कि जब 2×2 कोटि का मैट्रिक्स रहेगा तो जो ये आपका व्यंजक होगा वो भी आपका द्विघात ही होगा, ठीक है। व्यंजक होगा वह भी द्विघात ही होगा। जब 3×3 कोटि का होगा तो व्यंजक त्रिघात वाला होगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो इक्वेशन बना है, ये जो समीकरण बना है, कैसे बना है आपको समझना है। सबसे पहले तो इसी पर बात करते हैं। देखिए यदि ये वाला का मान आपको निकालना हो, k का मान यानी एक के साथ जो कांस्टेंट है उसका मान निकालना हो, तो सिंपल आपको क्या करना है देखिएगा। देखिए पहले आपको हम समीकरण यहां से बनाकर दिखाते हैं। देखिए a² माइनस कैसे बनता है, तो इसके विकर्ण का योग इंटू ए और प्लस क्या होता है, तो इसका मान यानी अभियु का मान या अभियु के मान को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ए कहते हैं, बराबर में 0, यही कहते हैं ना, डिटर्मिनेंट ए कहते हैं और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। और इसके साथ आई भी लग के आता है, ठीक है। आई लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आई का मान तो 1 के बराबर होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से समझ लीजिए कैसे बनता है आपका समीकरण, बनता कैसे समझ लीजिए। a² - विकर्ण का योगफल, ये विकर्ण का योगफल, ठीक है, विकर्ण का योगफल इंटू ए और प्लस पूरे डिटर्मिनेंट का मान, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो यहां के का मान है उसका मान कितना के बराबर होगा, तो 3×2 = 5 के बराबर। देख लीजिए के का मान कितना के बराबर होगा, 5 के बराबर। अब देखिए कि यदि यहां पर आपको देखना है तो देखिए क्या है, a²-a, अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, तो इसका मान निकालना है। देखिए डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकलता है देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे गुना करना, पहले इसको इससे गुना, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसको इससे गुना, तो कितना हो जाएगा, -6 और फिर माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, -+8 यानी -6+8, 8 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपको ये वाला जो वैल्यू चाहिए प्लस में चाहिए ना, ये वाला वैल्यू प्लस में चाहिए, सॉरी इसका मान 2 के बराबर होगा, ये वाला वैल्यू जो है आपका प्लस में है, तो k का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है। अब यहां समझिएगा, फिर यहां पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, देखिए सिंपल है, कितना हो जाएगा, 6 और ये आपका क्या होना चाहिए, 4 ना, ये 4×1=5, तो यहां जो आपका मान है, यहां तो माइनस चाहिए ना, यहां आपको माइनस चाहिए, तो क्या हो जाएगा,
माइनस के बराबर, माइनस के बराबर चार एक पांच, ये माइनस इधर चला जाएगा तो के का मान कितना के बराबर होगा, माइनस पांच के बराबर। याद रखिएगा यहां वाला मान हमेशा माइनस होना चाहिए, ठीक ना। के का मान जब भी लेंगे तो माइनस के, माइनस के बराबर जो संख्या होगा। सो यदि माइनस पहले से लगा हुआ है तब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा सभी लोगों को। एक बार और ठीक से आपको समझाते हैं कि कोई भी आपको दो गुने दो कोटि का मैट्रिक्स दे दिया जाए, ठीक है, और आपको यहां पर बीच वाला मान पूछे, ये ए के साथ वाला कॉन्स्टेंट, तो कुछ नहीं करना है, विकर्ण को जोड़कर, विकर्ण को जोड़कर और माइनस में लिखना है। जैसे मान लीजिए तीन आ दो पांच, तो माइनस पांच, माइनस एक यहां पहले से है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस पांच, जो आपको यहां दिख रहा है। देखिए यहां पर आपको लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला, तो इसका मान निकाल लेना है। मान कैसे निकालना है आपको यहां दिख रहा होगा, देखिए कितना हो जाएगा, तीन दुना छः यानी माइनस छः, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, और चार दुना आठ यानी माइनस आठ, तो माइनस माइनस प्लस आठ, आठ में से छः घट गया दो, ये आपको प्लस में ही रहता है, तो के का मान प्लस टू के बराबर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको फिर पूछ रहा है बीच वाला का मान, तो करना क्या है, देखिए चार एक पाँच और उसमें माइनस लगा देना है, तो माइनस पाँच, यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, के का मान कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस पाँच के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में, बीच वाला का मान पूछेगा, विकर्ण को जोड़कर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, विकर्ण को जोड़कर माइनस लगा दीजिएगा तो बीच वाला का मान निकल जाएगा। और इसके बाद यदि आप यहां देखते हैं कि लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, उसका जो मान है डिटर्मिनेंट का मान निकाल देना है और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, उसमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए अब देखते हैं कि यदि यही प्रश्न, हाँ इसमें हम आपको तीन चार प्रश्न देंगे अभी जिसको आप लोग को बनाना है। चलिए प्रश्न देख लीजिएगा, देखिए यहां पर छह सवाल आप लोगों के लिए दिया गया है और छह सवाल को आप बना लीजिएगा, ठीक है, बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें से हम एक सवाल बना रहे हैं, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको क्या करना है, देखिए जब ए के साथ वाला मान निकालना है, ए के साथ वाला मान, तो आपको क्या करना है, जैसे अल्फा का मान निकालना है, तो यहां माइनस अल्फा है ना, लिखेंगे माइनस अल्फा बराबर, दोनों को आपस में जोड़कर और उसका चिन्ह जो है माइनस लगा लेना है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, और इसके साथ केवल आपको माइनस लगा देना, माइनस से माइनस कट गया तो अल्फा बराबर क्या हो गया, ए प्लस डी, ठीक है। अल्फा का मान कितना के बराबर होगा, ए प्लस डी के बराबर। अब पूछ रहा है कि बीटा का मान क्या होगा इसमें, देख लीजिए, तो बीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या बताएं, बीटा का मान निकालने के लिए क्या बताएं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है ना, यानी इसका वैल्यू निकाल लेना है, तो आसान है वैल्यू निकालना। देखिए कैसे वैल्यू निकलेगा, देखिए यहां पर बीटा का मान निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ए को डी से गुना करेंगे ए डी, और माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी। इसमें आपको यहां पर माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी बीटा का मान हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और बाकी सवाल का जवाब आप आसानी से बना सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि ए के साथ वाला का मान निकालना होगा, ठीक है, ए के साथ वाला का मान निकालना होगा, तो दोनों को जोड़कर जितना आएगा उसमें माइनस लगा लेना है, ठीक है, जितना आएगा उसमें माइनस लगा लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहां माइनस के है, एक बार और देख लीजिए, यहां माइनस के है तो आपको लिखना है, जो यहां रहेगा पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, माइनस के है तो माइनस के, प्लस के है तो प्लस के, जो है लिखना है, माइनस के लिखना है, और इसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, तो छवा तीन नौ, और उसमें माइनस लगा लेना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर कितना हो गया, नौ, तो यहां कितना के बराबर होगा, नौ के बराबर, ठीक है। लेकिन जब लास्ट वाला का मान आपको निकालना हो तो सीधा सीधा आपको इसका वैल्यू निकालना है, कोई माइनस वाइनस नहीं लगाना है, ठीक है, सीधा सीधा आपको वैल्यू निकालना है, कोई माइनस वाइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जो यहां पर रहेगा पूरा लिखना। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है माइनस के, तो लिखना है माइनस के बराबर, टोटल का मान निकाल लीजिए, मान निकाल के जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है साथियों।